क्वेश्चन नंबर 3.1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। मींस इस क्वेश्चन में यह बताना है कि नीचे दिए गए मोशन के एग्जांपल्स में किस बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मैंने यहां नीचे बॉक्स में लिखी है। पॉइंट ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो अपने साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करे और मोशन के बीच में कोई भी सडन ब्रेक या जर्क ना आए। मींस अगर कोई बॉडी स्मूथली अपने साइड से बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है तो उस टाइम उस बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो इस केस में अर्थ का साइज उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। यदि एक चींटी दीवार के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जा रही है तो हम उस चींटी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। यदि कोई इंसान किसी एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर चक्कर लगा रहा है, मतलब किसी पार्क के अंदर वो कंटिन्यूअसली कई सारे चक्कर लगाता है, तो उस इंसान को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखना, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। एक तो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, और दूसरा एकदम से कोई भी सडन चेंज, सडन ब्रेक या जर्क नहीं आना चाहिए। मींस मोशन स्मूथ होना चाहिए। आइए वन बाय वन अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ए पार्ट में पूछा गया है ए रेलवे कैरेज, मींस एक रेल का डिब्बा जो कि मूव कर रहा है बिना किसी झटके के दो स्टेशन के बीच। तो हमें बताना है कि इस रेल के डिब्बे को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे या नहीं। तो इसका आंसर होगा यस, बिकॉज हम देखते हैं कि एक रेलवे के डिब्बे का साइज, एक रेल के डिब्बे का साइज लगभग 20 से 25 मीटर होता है और दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस कई किलोमीटर्स में होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेलवे कैरेज का बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, इसीलिए रेलवे कैरेज को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। बी पार्ट में कहा गया है यदि कोई एक आदमी एक सर्कुलर ट्रैक के अंदर साइकिल चला रहा है और उस आदमी के ऊपर एक मॉन्की बैठा हुआ है, तो हमें बताना है कि उस मॉन्की को क्या हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर आएगा यस, बिकॉज आप देखें यहां स्मूथली लिखा हुआ है। स्मूथली वर्ड से यह इंडिकेट होता है कि एकदम से कोई ब्रेक नहीं लगी, मींस सर्कल का साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मॉन्की का साइज बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू सर्कुलर ट्रैक, इसीलिए मॉन्की एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। सी पार्ट में देखेंगे ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, मींस अगर एक स्पिन करती हुई घूमती हुई बॉल आई और वो ग्राउंड को टच करते ही एकदम से टर्न हो गई, अपने रास्ते से अपने पास से उसका पाथ चेंज हो गया, तो हमें बताना है कि इस बॉल को क्या हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे या नहीं। जैसा कि हम देख रहे हैं मोशन एकदम से चेंज हो रहा है, इसका मतलब बॉल के साइज को हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्पिनिंग क्रिकेट बॉल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। डी पार्ट देखेंगे ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल, मींस एक लड़खड़ाता हुआ बीकर यदि स्लिप करके टेबल के कॉर्नर से नीचे गिर गया, हमें बताना है कि वो बीकर क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या नहीं। तो हम देखें क्योंकि बीकर का जो साइज है वो टेबल की हाइट के कंपैरिजन में इतना छोटा नहीं होगा, तो भी हम कह सकते हैं कि बीकर का साइज कंपेरेबल है हाइट ऑफ टेबल के, इसीलिए बीकर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच।